नाम तो सुना होगा। आज का जो वीडियो है ना, तो जो इसका जो रिप्रेजेंट का जो पाइपिंग है, हर एक पाइप को सिस्टम बाय सिस्टम किसको क्या बोलते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छा वीडियो है, स्पेशली नए लोगों के लिए। ओके, क्योंकि फिर वही है, जो पुराने हैं, जो जानकार है, उसको तो कोई जरूरत नहीं है माशाल्लाह। लेकिन जो नए लोग हैं ये, या जो छोटे एसी का काम करते हैं, वो बड़े एसी में करना चाहते हैं, उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। तो हम लोग एक एक करके हर एक पार्ट्स को क्या बोलते हैं। ओके, तो पहले हम लोग कंप्रेसर से शुरू करते हैं, ठीक है। कंप्रेसर से, ये कंप्रेसर है। अब ये कोई भी एसी का, बस कोई सी भी सिस्टम में, हाँ, एयर कंडीशन की बात कर रहे हैं, एयर कंडीशन के सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसको जो भी है, आपको ये एक मेन सिस्टम है कंप्रेसर, ठीक है। तो इसमें दो पाइप का इस्तेमाल होता है, एक सेक्शन और डिस्चार्ज। तो किसको सेक्शन बोलते हैं और किसको डिस्चार्ज बोलते हैं, तो कंप्रेसर से जो दो पाइप है, एक बड़ा एक मोटा, एक बड़ा और एक मोटा, तो जो मोटा वाला पाइप है उसको सेक्शन बोलते हैं, और जो उसमें पतला वाला पाइप है उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। और डिस्चार्ज प्रेशर को फेंकता है कंडेंसर की तरफ, कंडेंसर की तरफ। तो ये वाला पाइप को बोलते हैं डिस्चार्ज, ठीक है। कंप्रेसर में दो पाइप लगेगा, एक मोटा पाइप एक पतला, तो पतला वाला पाइप को बोलते हैं डिस्चार्ज। ये पाइप आपको लेके जा रहा है कहां पर, देखो कंडेंसर कॉइल में लेके आ रहा है, कंडेंसर कॉइल में, ठीक है। कंडेंसर कॉइल में ये पाइप जा रहा है प्रेशर डिस्चार्ज का, ठीक है। कंप्रेसर में जो पतला वाला पाइप लगता है तो उसको बोलते हैं डिस्चार्ज, वहां से ये आपका पूरा गया, पूरा प्रेशर आपका गया इसमें। यहां से जो बाहर हो रहा है, यहां से जो बाहर हो रहा है, इसको बोलते हैं लिक्विड लाइन। यानी कंडेंसर का जो आउटलाइन है वो है लिक्विड लाइन, उसको बोलते हैं लिक्विड लाइन, है ना। एक कंडेंसर खत्म हो गया, यहां से बाहर निकला प्रेशर, यहां से इन होके जो बाहर निकल रहा है उसको बोलते हैं लिक्विड लाइन। तो ये आपका बाहर हुआ लिक्विड लाइन, ठीक है। लिक्विड लाइन जब बाहर होगा तो लिक्विड लाइन में आपको एक लगाना है फिल्टर सेम। तो ये आपका है फिल्टर, जिसको फिल्टर ड्रायर, बड़े सिस्टम में जैसे चिलर वगैरह में आपका फिल्टर कोर लग जाता है, ठीक है, फिल्टर कोर। तो ये फिल्टर ही है, यानी फिल्टर है, यानी कि जो भी इसका जो काम है, जो मॉइस्चर वगैरह को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। शॉर्ट में इतना आप समझते जाइए बस। तो ये लिक्विड लाइन हो गया, तो लिक्विड लाइन में आपका क्या लगेगा, आपका लग जाएगा सोलेनाइड वाल्व, फिल्टर ड्रायर लग गया। फिल्टर ड्रायर के बाद आपको लगता है सोलेनाइड वाल्व, लेकिन इस ऑप्शन मौजूद होता है, वो जरूरी नहीं है, हर पैकेज में जरूरी नहीं, ऑप्शन होता है, चाहे तो इसका इस्तेमाल करें चाहे तो नहीं करें, इसमें नहीं है। तो अगर मान लो होगा तो वो आपको इसके बाद आपको सोलेनाइड वाल्व को लगाना पड़ेगा, सोलेनाइड वाल्व और साइड ग्लास, तो वो भी ऑप्शन मौजूद है, वो कस्टमर के हिसाब से कंपनी लगाती है, ठीक है। तो आपको फिल्टर ड्रायर के बाद आपको साइड ग्लास और सोलेनाइड वाल्व लगाना होगा, अगर चाहे तो इसी में लगेगा, लिक्विड लाइन में लगेगा, ठीक है, लिक्विड लाइन में लगेगा। अब लिक्विड लाइन में ये लाइन सीधा गया आपका कूलिंग कॉइल पे, आइए अंदर पे आपको आना होगा, अंदर आओ, वो पाइप को ध्यान रखो, है ना। तो देखो दो पाइप अंदर जा रहा है, वही वाला पाइप फिल्टर ड्रायर से निकल के सीधा लिक्विड लाइन जा रहा है कूलिंग कॉइल की तरफ। आओ, देखा ना, देख रहे सिस्टम वन सिस्टम टू, ओके, ये सीधा आया, कहाँ लगा, ये कहाँ लगा आपका। तो यानी लिक्विड लाइन का जो पाइप आएगा वो डायरेक्ट कूलिंग कॉइल पे नहीं जाएगा, वो यहाँ पर आपको बीच में आप एक्सपेंशन वाल्व आपको लगाना होगा। तो ये एक्सपेंशन वाल्व है, पहचान लो इसको, एक्सपेंशन वाल्व है। इसमें आप ये कैपिलरी ट्यूब देख रहे हैं, ये कैपिलरी ट्यूब में ये एक, इसमें एक थर्मल बल्ब होता है, वो सेंस करता है टेम्परेचर को, और ये एक्सपेंशन प्रेशर और टेम्परेचर पे काम करता है। ये प्रेशर लेता है, गैस का प्रेशर लेता है सेक्शन लाइन से, और ये सेक्शन जो पाइप है उसका टेम्परेचर सेंस करता है, उसके हिसाब से वो काम करता है। तो एक्सपेंशन कहाँ लगेगा, लिक्विड लाइन में लगेगा। कब लगेगा, कंडेंसर का जो आउटलाइन है लिक्विड लाइन, वहां से वो निकलेगा, फिल्टर ड्रायर लगेगा, साइड ग्लास लगेगा, सोलेनाइड लगेगा, उसके बाद आप उसको एक्सपेंशन वाल्व लगाएंगे, ठीक है। एरो का ध्यान रखना है, ओके। तो एक्सपेंशन वाल्व जब आप लगा दिए, ओके, इजी है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक तरफ बड़ा है एक तरफ पतला है, तो जो वो है आपका इन है, और एरो को भी ध्यान रखना है, ये एरो, एरो यानी प्रेशर जाएगा अंदर, ओके। तो ये लेता है, बाद में ये कंट्रोल करता है, ये रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करके कूलिंग कॉइल में देता है, रेफ्रिजरेंट को प्रेशर को ड्रॉप करता है, प्रेशर को ये ड्रॉप करता है, ड्रॉप करके कूलिंग कॉइल में इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो देता है, प्रेशर को ड्रॉप करता है, ओके। तो फिर ये आपका कूलिंग कॉइल में चला गया, ये पूरा जब कूलिंग कॉइल में चला गया, ये पूरा जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर का जितनी पाइप आप देख रहे हैं, है ना, ये पूरा जब चला गया उसमें, तो फिर वो निकलता है सेक्शन के रूप में, ये देखो, ये सेक्शन के रूप में, ठीक है, सेक्शन पाइप, ये सेक्शन पाइप, बस
यानी पूरा प्रेशर वहां से पुश कर रहा है, पूरा धकेल रहा है, पुश करते करते पूरा सिस्टम में गया और ये सक करता है, खींच रहा है, ठीक है। अब ये आपका सेक्शन देखिए, आपको दो पाइप नजर आ रहा है, ये जा रहा है कंप्रेसर की तरफ, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओके, ये सक कर रहा है। ओके, सेक्शन की तरफ आइए, कंप्रेसर की तरफ आइए, पाइप आ गया, ओके, वन का वन टू हो, सेम, यानी एक का समझ के बाकी सबका सेम। तो ये सेक्शन पाइप आके आपका ही हो गया। तो ये क्या करता है, डिस्चार्ज पुश करता है, ये सक करता है, ये धक्का देता है, वो खींचता है, सिर्फ फेंकना खींचना, फेंकना खींचना, बस ऐसा ही हो, सर्कुलेट होता रहता है। ये डिस्चार्ज पुश करता है, प्रेशर को डिस्चार्ज करता है, पुश करता है, धकेलता है, जो बोलिए सिंपल वे में, और इसको खींचता है, तो बस इसी तरह इसका सर्कुलेट होता रहता है, घूमता रहता है, तो बस यही हो गया। ओके, अब एक मिनट, अब दूसरा डिस्चार्ज फेज में एक स्विच का इस्तेमाल करता है, ये स्विच है, ये क्या है, इसको बोलते हैं हाई प्रेशर स्विच। डिस्चार्ज पाइप में जो स्विच जो इस्तेमाल करता है, सेफ्टी स्विच है, हाई प्रेशर स्विच, इनकेस प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ने के फिर वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन प्रेशर बढ़ गया किसी वजह से, जैसे फैन बंद हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ गया तो ये कंट्रोल को सिग्नल देगा, सिग्नल जब वो लेगा तो यानी कि कंप्रेसर को सिस्टम को ऑफ करना चाहिए। तो डिस्चार्ज में जो स्विच लगता है उसको बोलते हैं हाई प्रेशर स्विच, HP स्विच शॉर्ट में, ठीक है। और इसका एक और भी पहचान रखो, इसका जो कलर देखो, कलर हाई प्रेशर स्विच अक्सर कुछ कंपनी चेंज कर देती है, लेकिन अक्सर 99% उसका जो कलर होता है रेड कलर का होता है, हाई, वो इजी पहचान है ना, लाल खतरे के निशान होता है ना, बोलता वगैरह वगैरह, तो उसका वो पहचान है। ओके, तो एक स्विच यहाँ पर लग गया, ठीक है। दूसरा ये है, सेक्शन में एक स्विच लगता है, ये लो प्रेशर, लो प्रेशर किसी वजह से गैस कम हो गया तो फिर सिग्नल देगा पीसीबी को, पीसीबी सेंस करेगा और उसको आपको ऑफ करेगा। तो दो स्विच का ये साइड पे कंप्रेसर सेक्शन में इस्तेमाल होता है, एक आपका HP के लिए और एक LP के लिए, LP के लिए एंड लो प्रेशर स्विच हो गया। ओके, बाद में ये देखो, फिर इसको जो है ना, इसको कंडेंसर कॉइल बोलते हैं, ये जो डिस्चार्ज का पाइप जिसमें लगा है उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसर कॉइल, कंडेंसर कॉइल बोलते हैं, तो कंडेंसर कॉइल इसको बोलते हैं। बाद में कंडेंसर हीट होता है, गर्म होता है, बहुत ज़्यादा हीटअप होता है, बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बोला आपका 160 से लेकर 190 तक उसका डिस्चार्ज पाइप का कंडेंसर का टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर को, उसका गर्मी को बाहर करने के लिए एक मोटर का इस्तेमाल करता है, जिसको बोलते हैं, जो कंडेंसर की तरफ जो मोटर लगता है उसको बोलते हैं कंडेंसर मोटर, कंडेंसर फैन मोटर, ये मोटर है। और ये फिर यहाँ के इस थ्रू से ये आपका ये डिस्चार्ज करता है, यहाँ से एयर लेता है, सक करता है, उसका जो डायरेक्शन ये बाहर हवा आना चाहिए, ताकि इसका जो हीट को बाहर फेंकना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो गया। ओके ओके, बाद में इस तरफ जो लो साइड पे जिधर एक्सपेंशन वाल्व था ना, वहां पर भी एक करो, दो कॉइल, एक कंडेंसर, एक कूलिंग कॉइल या एवेपरेटर कॉइल बोल दीजिए आप, तो कूलिंग कॉइल, ये ठंडा होता है, ये ठंड होता है, और इसका इसी ठंड को रूम में ले जाने के लिए इस्तेमाल जो करता है मोटर, जैसे कंडेंसर में था कंडेंसर मोटर, कंडेंसर कॉइल के लिए कंडेंसर फैन मोटर था, तो ये कॉइल जो कूलिंग कॉइल है, ये नामी है कूलिंग कॉइल, ठंड होता है ये, तो इस ठंड को रूम में ले जाने के लिए जो इस्तेमाल करता है उसका है ये नाम है ब्लोअर व्हील, ब्लोअर मोटर, ये ब्लोअर मोटर है, ये ब्लोअर व्हील है, और उसको बेल्ट के जरिए ये घूमता है, ये उस दूसरे को घुमाता है, ब्लोअर पुली को घुमाता है बेल्ट के जरिए, ये ब्लोअर मोटर है और ये ब्लोअर व्हील है, तो घूमता ये है, पावर इलेक्ट्रिसिटी के जरिए इसको घुमाया जाता है, ये घूम के ये पुली एक दूसरे पुली को सपोर्ट करता है, और घुमा के हवा के जरिए जो इसका डायरेक्शन होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, और ये थ्रो करता है एयर को रूम में पहुंचाता है, और जो ठंड जो कूलिंग कॉइल है वो ठंड रूम में पहुंचाता है। तो लो साइड पे यानी कूलिंग कॉइल की तरफ जो होता है उसको बोलते हैं ब्लोअर मोटर, और जो कंडेंसर की तरफ होता है उसको बोलते हैं कंडेंसर फैन मोटर, तो उसको ब्लोअर मोटर, वहाँ सिर्फ एक मोटर है कंडेंसर की तरफ, लेकिन ब्लोअर की तरफ कूलिंग कॉइल की तरफ एक ब्लोअर मोटर होगा, आपको व्हील होगा, आपको एक व्हील होगा, और व्हील में पुली, ये दो पुली लगाता है ब्लोअर मोटर का, ये पुली है वो ब्लोअर व्हील का पुली है, हाँ, वो कैपेसिटी के हिसाब से, कहीं कहीं पर ज़रूरत नहीं होता है डायरेक्ट, वो आपका डायरेक्ट ब्लोअर व्हील इसी में लगा देता है छोटा अगर रहेगा तो, लेकिन बड़े सिस्टमों में आपको एक अलग से और उसको घुमाने के लिए बेल्ट का इस्तेमाल करता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बेल्ट ड्राइव सिस्टम। ओके, ये हो गया आपको, और ये कूलिंग कॉइल है, ठीक है, कूलिंग कॉइल से पहले एक फिल्टर भी लगाया रहता है, ताकि वो फिल्टर जो रूम में जो रिटर्न एयर लेता है वो कूलिंग
कूलिंग कोयल से पहले एक फिल्टर लगाया जाता है ताकि जो भी डस्ट है, जो रूम में जो डस्ट है वो डायरेक्ट कोयल में नहीं जाए। कोयल में जाएगा तो साफ़ करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसको समय समय पर इसको चेक करते रहना चाहिए, गंदा है तो क्लीन कर लेना चाहिए। जैसे अभी हमको दिखा रहे, देखो कितना गंदा है, देखो कितना गंदा है, देखो ध्यान दो कितना है, कितना गंदा है। तो यही फ़ायदा रहता है ना। अब ये फिल्टर नहीं रहता तो वो आपका ये हो जाता है। तो इस तरह का कूलिंग कोयल से पहले एक फिल्टर दिया जाता है। और हाँ, कंडेंसर कोयल में नहीं रहता है, ठीक है। तो ये उस तरफ हो गया। बाद में इधर जो है आपका है ये HVTV, इसको बोलते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है HVTV, हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक, यानी जो पावर जो सप्लाई का जो मेन पावर सप्लाई का जो केबल है रेड येलो ब्लू, वो यहाँ पर लगाने के लिए यहाँ से सब जगह जहाँ जहाँ पावर सप्लाई चाहिए थ्री फेज का वो यहाँ से लेते हैं। टर्मिनल जिसको NTB बोलते हैं, NTB बोलते हैं न्यूट्रल टर्मिनल ब्लॉक, वो यहाँ पर न्यूट्रल का वायर यहाँ लगाएंगे, थ्री फेज का यहाँ लगाएंगे, न्यूट्रल का वायर यहाँ लगाएंगे। ओके, इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड दिया गया है, इसको ECB या PCB बोल दो, ECB इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड, तो उसका इस्तेमाल किया गया और इसके जरिए हाँ, तो ये PCB है, PCB या ECB जो भी सेम है, यानी बस अलग अलग नाम रखेगा कंपनी हिसाब से। तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड यही मेन पूरा काम करता है, पूरा हर चीज़ का एक काम, लेकिन इसका मेन काम है यही कंट्रोल, ऑटोमेटिकली ऑन करता है टाइम के हिसाब से, ऑटोमेटिकली ऑफ करता है टेम्परेचर के हिसाब से, तो यही करता है। तो इसको बोलते हैं ECB या PCB। ओके, उसके बाद इसमें जो इस्तेमाल हो रहा कॉन्ट्रेक्टर, ये कॉन्ट्रेक्टर है, ये ब्लोअर मोटर कॉन्ट्रेक्टर है, ब्लोअर मोटर कॉन्ट्रेक्टर है। तो वहाँ लिखा रहता है, आपको दिखता नहीं होगा सर, तो BMC यहाँ लिखा होगा नीचे में, BMC ब्लोअर मोटर कॉन्ट्रेक्टर, पावर ऑन इसे मैं टच नहीं कर रहा। ओके, तो BMC ब्लोअर मोटर कॉन्ट्रेक्टर, इतना याद रखो। ओके, हो गया है। बाद में इस नीचे में जो नजर आ रहा है इसको OLR है, ओवरलोड रिले। ओके, तो इसका इस्तेमाल करता है। और मैं इतना भी बता दूं कि जामिल जो ब्लोअर मोटर का जो वायर है जामिल का, तो उसे इजीली नंबर पहचानने के लिए 68 69 70 68 69 70 68 69 70 जो वायर होगा कन्फर्म वो ब्लोअर का वायर है। ओके, वायर नंबर 68 69 70 है, तो यानी वो ब्लोअर मोटर का वायर है, वायर का नंबर ये है, ठीक है। ओके, तो इसके लिए कॉन्ट्रेक्टर हो गया और ये हो गया। इसका जो वो जामिल जो कॉन्ट्रेक्टर यूज़ करता है वो 220 कोयल वोल्टेज का, अगर आप पीछे में अगर गौर करेंगे, अगर दिखेगा आपको तो यहाँ पर 220 इसका कोयल वोल्टेज है, ठीक है, 220 कोयल वोल्टेज जामिल की बात करें, दूसरी कंपनी का नहीं, दूसरी कंपनी का सबका सेम होता है। कॉन्ट्रेक्टर चेंज हो सकता है क्योंकि इसका PCB अगर आउटपुट 24 देगा तो 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो है आपको वो चेक करना पड़ेगा डायग्राम के हिसाब से। तो ये इसका हो गया। ओके, बाद में यहाँ पर देखे क्या है, HC हीटर कॉन्ट्रेक्टर, तो दो हीटर कॉन्ट्रेक्टर है, हाँ हीटर कॉन्ट्रेक्टर है, ठीक है, दो हीटर कॉन्ट्रेक्टर है। और यहाँ पर हीटर कॉन्ट्रेक्टर को ब्रेकर दिया, इसको नहीं दिया, क्योंकि हीटर को ब्रेकर इसलिए दिया इफ़ इनकेस अगर बाई चांस फायर हो, आग लग जाए किसी भी वजह से, तो ब्रेकर अपना काम करे, ब्रेकर पावर को ऑफ करे, ताकि कि हीटर पे आग लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए सेफ्टी ब्रेकर दिया, बाकी को नहीं दिया है, ठीक है। ओके, तो एक कॉन्ट्रेक्टर ये, दो हो गया, तीन हो गया। बाद में FMC फैन मोटर कॉन्ट्रेक्टर जो कंडेंसर में था, कंडेंसर में मोटर था ये उसका है। तो दो मोटर है लेकिन एक कॉन्ट्रेक्टर से काम चला रहा है, एक ही कॉन्ट्रेक्टर से काम चला रहा है। ओके, डबल जो वायर दिख रहा है आपको ना, दो ब्लू, तो यानी एक ब्लू एक मोटर का है, दो वाइट, एक वाइट एक मोटर का है, और एक ऑरेंज, यानी कि रेड वाइट ऑरेंज एक मोटर का है तीन फेज के लिए। ओके, बाद में दो कंप्रेसर का इस्तेमाल किया है, दो कंप्रेसर के लिए दो कॉन्ट्रेक्टर है, कॉन्ट्रेक्टर CC यानी कंप्रेसर कॉन्ट्रेक्टर 1 एंड CC कंप्रेसर कॉन्ट्रेक्टर 2, दो इसके लिए हो गया। सबका टोटल का वोल्टेज आपको क्लियरली यहाँ देखो 220 का है ना, इजीली। ओके, तो टोटल हो गया आपका एक सिस्टम में कितना कॉन्ट्रेक्टर हो गया, यानी कि इस यूनिट पे दो कंप्रेसर के लिए, कंडेंसर फैन के लिए एक इस्तेमाल किया है, कंडेंसर फैन के लिए एक, तीन, दो हीटर के लिए पांच और एक छः। तो ये आपका छः कॉन्ट्रेक्टर इस्तेमाल किया, सात लग सकता था लेकिन एक बचा लिया उसमें, अच्छी बात है, बचाना चाहिए। ओके, बाद में ये टर्मिनल है, ये आपको जो थर्मोस्टेट का वायर वो यहाँ पर ला के आपको लगाता है, जो उसको इस टर्मिनल को जहाँ थर्मोस्टेट का वायर लगता है कंपनी उसको बोलती है LVTV लो वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक। ओके, लो वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक वो यहाँ पर आप देख लीजिए। ओके, ठीक है। ओके, बाद में ब्रेकर का बता दिया था, ये ग्लास रिले है, इसको ग्लास रिले बोलते हैं, ये बहुत सारे लोग कंट्रोल रिले भी बोलते हैं, लोग अलग अलग अपना तरफ से भी कुछ लोग नाम रख लेते हैं, लेकिन जो ग्लास रिले और कंट्रोल रिले बोल सकते हैं आप इसको। ये भी अलग अलग वोल्टेज का आता है, 24 220 DC वोल्टेज AC वोल्टेज अलग अलग आता है। ये जो स्पेशली खासकर जो होता है ये सिग्नल के लिए, यानी कि BMS का सिग्नल किसी को लेना है, ट्रिप का सिग्नल, रन का सिग्नल, ऑन ऑफ का सिग्नल, वो इसके माध्यम से इसके जरिए से ले सकता है, ऑप्शन मौजूद है। ओके, अब यहाँ पर वो चीज़ है आपको हम बता देंगे बाद में, ये वही है आपका, है ना, ये ट्रिप वगैरह का हम बताते हैं आपको बाद में। ये जो कंट्रोल का वायर है ना, LPHP का वायर, वो डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट नहीं करके, यहाँ कनेक्ट करके और इसके जरिए से फिर वो ला के बाद में यहाँ लगाया है, वो डायरेक्ट यहाँ नहीं लगाया LP का वायर, यहाँ लगा के फिर वो जंपर लगा के फिर वो यहाँ से लगाया है। तो ये 1V 1A 1-1 सब जो है ये पूरा फेस लाइन है,
ये पूरा फेस लाइन है, ये पूरा जो टू है वो पूरा न्यूट्रल लाइन है, ये आपका कंट्रोल है। ए ए जो दिख रहा है सिस्टम वन, बी बी सिस्टम टू, ए बी सिस्टम वन सिस्टम टू, ओके। बाद में इसका एक बहुत अच्छा चीज़ है ये UVM अंडर वोल्टेज मॉनिटरिंग है, ये वोल्टेज को मॉनिटर करता है, वोल्टेज इफ इनकेस अगर ज़्यादा हो कम हो फेस मिसिंग हो कुछ भी ऐसा हो तो ये कंट्रोल को पावर कट करता है, एक कंट्रोल है, बाद में इसको अलग से बनाएंगे क्योंकि इसको फिर एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो पावर कट ऑफ करता है, पीसीबी का पावर रोकता है और रोक के फिर वो चलने नहीं देता है इन केस होगा तो ये इतना मोटा मोटी आपको समझने के लिए ज़रूरत है। इस पीसीबी को चलाने के लिए, एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, क्योंकि इस पीसीबी को जो हमारा और इस पीसीबी को और हमारा थर्मास्टेट को 24 वोल्ट चाहिए और इस पीसीबी को 24 प्लस 10 वोल्ट चाहिए, ओके। तो यहाँ पर आपने क्लियरली मेंशन है यहाँ पर है ना, जो अलग अलग वोल्टेज है यहाँ पर, देखिए यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 24 वोल्ट है, तो दो वोल्टेज से आउटपुट होता है। तो थर्मास्टेट हमारा 24 वोल्ट का है, इस पीसीबी में कुछ चीज़ें 24 वोल्ट चाहिए इंटरनली और कुछ पार्ट्स को इसको 10 वोल्टेज चाहिए। तो इतना स्पेशली उन लोगों के लिए है जो खासकर जो नए टेक्नीशियन हैं, वो लोग बोल रहे थे, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया, ओके।